अगर आप यूज़ कर रहे हो ओप्पो F21 Pro डिवाइस और वेट कर रहे हो कलर वेस्ट 13 का, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कलर वेस्ट 13 के कन्फर्म रिलीज डेट के बारे में। आई नो काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न होगी क्या हमारे डिवाइस को कलर वेस्ट 13 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लो, आपको 100% मिलने वाला है। बाय द वे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कलर वेस्ट 13 हमें कब तक देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ में कौन कौन से वो मेन फीचर है जो हमें कलर वेस्ट 13 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। काफ़ी अमेजिंग कलर वेस देखने को मिला है इस बार एंड कलर वेस 13 ने बहुत ही शानदार फीचर्स दिए हैं इस बार, तो वीडियो के अंदर वो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके रिलीज डेट से, और ओप्पो F21 Pro डिवाइस यूज़र को यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा कलर वेस 13 का अक्टूबर 2022 से। जी हाँ, इसी अक्टूबर 2022 से सबसे पहले आपको ऑफिशियल अपडेट तो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा अक्टूबर मंथ में बीटा अपडेट, और ये जो अपडेट होता है सिर्फ 2000 लोगों तक को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोग या फिर 5000 लोगों को, जो सबसे पहले फॉर्म भर देता है उसे अपडेट देखने को मिल जाता है। एंड काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले कैसे पता चलेगा और फॉर्म कब रिलीज़ होगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ भी नोटिफाई कर दूंगा। एंड बाय द वे ये जो अपडेट होता है सबसे पहले आपको बीटा अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा अक्टूबर मंथ के अंदर, उसके नेक्स्ट मंथ आपको यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड जो ऑफिशियल अपडेट होगा वो उसके लिए किसी भी तरीके का फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपडेट सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। पर जो बीटा अपडेट होता है ये सिर्फ लिमिटेड यूज़र को दिया जाए, क्योंकि जो बीटा अपडेट होता है उसके अंदर बहुत सारे बग्स प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, लाइक फ़ोन हीट, उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और जो नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट होता है उसमें इसे फिक्स कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ, कलर वेस 13 के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, तो सबसे पहले डिज़ाइन के अंदर आपको एक्वामॉर्फिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि इंस्पायर है नेचर से, आपको नेचर की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी कलर वेस 13 के अंदर, जो कि बहुत सही चीज़ है। एंड बाय द वे यहाँ पे क्वांटम एनिमेशन इंजन 4.0 का यूज़ किया गया है, जहाँ पे आपको अलग अलग एनिमेशन देखने को मिलेगी ऐप को ओपन करते समय और क्लोज करते टाइम, तो ये जो एनिमेशन है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, और जो आपका यूआई है यूआई पूरा का पूरा चेंज हो जाने वाला है। एंड आपको विजेट्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, एडवांस विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। आई नो जो ओवरऑल जो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, मतलब आप और अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने डिवाइस को, एंड साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर से आप म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड काफ़ी चीज़ें भी कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ बात करें तो सेल्फ़ की, अब आपको कलर वेस 13 के अंदर सेल्फ़ का फीचर दे दिया गया है, मतलब आप सेल्फ़ के अंदर काफ़ी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एंड ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, जो कि काफ़ी लोगों का पसंदीदा फीचर है, जी हाँ ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ने अब जो यहाँ पर टाइप कर लिया है स्पॉटिफाई के साथ, और आप बात कर सकते हो एक और जो न्यू एप्लीकेशन है हमारी जिसे हम कहते हैं स्नैपचैट, तो स्नैपचैट से भी इन्होंने टाइप कर लिया है। अब जो स्नैपचैट का जो बिटमोजी वाले फीचर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कलर वेस 13 के अंदर, जो कि इसे बहुत ज़्यादा एडवांस बना देता है, तो AOD बहुत ज़्यादा एडवांस देखने को मिलने वाला है इस बार। अब जो यहाँ पे एक और फीचर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं मल्टी स्क्रीन कनेक्ट, तो जो अपना डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो अपने PC में, उसके साथ ही साथ में जो ओप्पो का पैड एयर आया बिल्कुल नया, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर अब आप इमेज सेंड करने से पहले उसे आप ब्लर कर सकते हैं, तब आप किसी को सेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और नई चीज़ दी गई है जो कि बहुत सही चीज़ है, मतलब आप कई बार ऐसा होता है हम मीटिंग कर रहे होते हैं या फिर कॉल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो हमारा जो नेट होता है सही तरीके से वर्क नहीं करता, क्योंकि बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन होती है हमारे नेट को यूज़ कर रही होती है, तो अब आप उसे कंट्रोल कर सकते हो उस फीचर को ऑन करके, आप सारा का सारा जो नेट आपका होगा वो सिर्फ मीटिंग की तरफ आ जाएगा, मीटिंग एप्लीकेशन के अंदर जूम के अंदर आएगा, और आपको अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, आपकी मीटिंग रुकेगी नहीं और आपको अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो बाय द वे यही सारे फीचर्स थे, एंड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।